हेलो, वेलकम यू ऑल। आज है 1 फेब और आप सभी के लाया हूँ फिर से इम्पोर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, आपके लिए हमेशा ही ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट इफेक्ट ऑन टाटा मोटर्स। तो वैसे तो आज शेयर में काफ़ी 6% की गिरावट देखी गई है। क्या ये सही टाइम है एंट्री लेने का या फिर ये टाइम है एग्जिट का? तो वैसे तो बजट में ऑटो सेक्टर की तरफ कुछ एक्स्ट्रा कोई भी टैक्स रिलीफ या कोई ऐसा हमारे को स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला जिससे ऑटो सेक्टर में एक बेनिफिशियन मिले। तब भी अगर हम इसकी बात करें, ऑल ओवर ऑटो सेक्टर पहले से ही जो लगातार वीक था और इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से भी उसमें काफ़ी गिरावट हमारे को देखने को मिली थी, जो लबकी पिछले 10 सालों से लेकर इतनी गिरावट अभी तक हमारे को फ़िलहाल ऑटो सेक्टर में नहीं देखने को मिली थी जितनी स्लो डाउन की वजह से इस बारी में देखने को मिली है। वहीं इस बजट में ऑटो सेक्टर की तरफ कोई भी स्टेटमेंट वैसी नहीं आई जो ऑटो सेक्टर को बूस्ट कर सके। तो हम जानेंगे आगे टाटा मोटर में हम क्या करें। तो वहीं अगर हम टाटा मोटर के रिकैप में जाए तो 31 को इसके Q3 के रिजल्ट्स आए थे जिसमें टाटा मोटर ने अपना Q3 के में प्रॉफिट डिक्लेयर किया था जो लगभग 1756 करोड़ का था ऑन ईयर बेसिस, जो इनके पिछले क्वार्टर में इसी क्वार्टर में इनके लॉसेस थे जो लगभग 26,961 करोड़ के थे। वहीं मैंने एक इसका वीडियो पहले भी बनाया, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो पूरी जानकारी के लिए, सिर्फ रिकैप था। तो उसके बाद तब भी आज शेयर में काफ़ी गिरावट रही, ऑटो सेक्टर में रही, पूरे ऑटो सेक्टर में, पूरी मार्केट में आज बम विस्फोट हो गए गिरावट के, पूरे धमाके फट गए। तो वहीं अगर हम इसका डिलीवरीज़ पे देखेंगे तो डिलीवरीज़ को आज 1 फेब ये जो मैं ये सामने आपके लगा दिया है 1 फेब का, तो 1 फेब में आप देखेंगे टोटल क्वांटिटीज जो ट्रेड हुई थी लगभग 4,51,25,307 क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई थी, सच ए ह्यूज क्वांटिटीज़। और वहीं अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल डिलीवरीज क्वांटिटीज़ आप देखोगे तो 62,45,000 और 40 शेयर्स, तो टोटल इतनी इसमें डिलीवरीज क्वांटिटीज़ हुई लगभग। आज आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 6% से ज़्यादा की भी आज गिरावट रही। तो अगर हम इसके चार्ट पे आ जाए तो चार्ट पे आप देखोगे तो अभी ये अपना 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज से डाउन आ चुका है लगभग, और ये मेरा रेड कलर का 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है और ये ग्रीन कलर की मेरी 100 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज है जो कट्ठे हो, मतलब कि यहाँ पे जैसे कट्ठे आ चुकी है जिनका प्राइस अराउंड 162 से लेकर 160 के पास है। तो जिन्होंने भी इनमें अगर रिज़ल्ट को देखते हुए इस पे एंट्री ली है, बल्कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, पर वहीं इसकी डोमेस्टिक सेल्स में काफ़ी 24% से भी ज़्यादा की गिरावट थी जिससे मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें गिरावट आ सकती है। जो इसमें सिर्फ मूवमेंट थे जो इनके अपसाइड में गए थे वो चाइना में इनके लैंड रोवर के अच्छे बिजनेस की वजह से इनके अच्छे रिजल्ट्स आए थे, पर डोमेस्टिक में अभी तक इनको कोई सुधार नहीं मिला है ड्यू टू स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। तो वहीं अगर हम देखें इस शेयर की स्पेसिफिकली बात करें तो मेरा ये 1 डे का चार्ट है और लगभग इसने जो अभी रिसेंटली हाई टच किया था 200 के आसपास, जो हमारा 20 तारीख के आसपास किया था जैन में, और उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है आफ्टर रिजल्ट, और अभी ये करंट ट्रेड कर रहा है 165.45 पैसे पे। और यहाँ इसके जो 200 डेज और 100 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है, तो जिन्होंने भी इनमें अगर नई एंट्री ली है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट में सबका एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अभी निफ्टी 11,500 की तरफ जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है फॉर टेम्परेली बेसिस आप इस शेयर से एग्ज़िट कर सकते हैं, आपका लगभग स्टॉक 160 और 162 के आसपास रहना चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें मैग्डी में भी, तो आप देखोगे आज काफ़ी बड़ी कमज़ोरी बनती हुई दिख रही है, और अगर हम पिछले मैग्डी में चल जाए कहीं अगर बड़ी ज़्यादा कमज़ोरी दिखे तो ये काफ़ी नीचे डाउन और जा सकता है। तो ये तो अभी स्टार्टिंग मुझे लग रही है इसकी लो डाउन जाने की,
पर इसमें एक ये भी बात है कि जो RSI है वो 35 के आसपास है, और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये जो पुल बैक मारता है तो लगभग इसका जब RSI 24 तक पहुंच जाता है उसके बाद ये पुल बैक मारता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक दो दिनों में हमारे को इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपको टेम्परेली बेसिस पे इस पे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ये अपना 200 डेज और 100 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज को अगर एज ए सपोर्ट लेता है और ये इससे नीचे नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है तो आप इसमें टिके रहना चाहिए आपको। और कुछ ही ये मुझे ऐसा लगता है जो गिरावट रहेगी ये हफ्ते के लिए रहेगी, उसके बाद इसमें हम अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और RSI को नज़र में रखिए, वन डे का चार्ट खोलिए, अगर ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे जाता है तो डेफिनेटली इसमें ये एंट्री का टाइम होगा, पर अभी ये मुझे लगता है टाइम जो टेम्परेली एग्जिट होने का है इस शेयर से। तो और इसमें एंट्री इसलिए लेनी चाहिए हमारे को इस शेयर में जब ये रिवर्सल मारेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव है, काफ़ी टाइम बाद इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो ऑल ओवर डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे बिक रहे हैं और इसके ये लॉस से बाहर निकलता हुआ मेरे को दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।